यहाँ पे आपको एक्टिव यूएन पे क्लिक करेंगे। जैसे एक्टिव यूएन पे क्लिक किया, कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे हमें अपना यूएन नंबर डाल लेना है, जो कि आपके इम्प्लॉय के द्वारा प्रोवाइड किया गया हो। यहाँ से मेंबर आईडी के द्वारा भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास मेंबर आईडी हो तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका आधार नंबर। आधार कार्ड का जो नंबर होता है बायोडिजिट का, यहाँ से आप डाल लेंगे। चाहे तो इसको आप वहाँ से देख भी सकते हैं। इसके बाद आपका जो आधार कार्ड में नाम लिखा हो, आधार कार्ड के हिसाब से आप यहाँ पे डाल लेंगे। इसके बाद अगला स्टेप है हमारा डेट ऑफ बर्थ का, जो कि हमारी जन्म तिथि है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है हम डाल लेंगे यहाँ से। इसके बाद अगला स्टेप हमारा है मोबाइल नंबर का, जो भी हमारा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, ध्यान देंगे हम उसी नंबर को डालेंगे, ताकि हमें दिक्कत ना हो। जो अभी नया रूल आ चुका है, जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर होगा तभी आपका यूएन एक्टिव हो पाएगा। इसके बाद अगला स्टेप है कैप्चा डालना है यहाँ पे हमें अपना, तो यहाँ पे हम कैप्चा डाल लेंगे। कैप्चा डालने के बाद मैं अपनी पहचान सत्यापित करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपका यूएन नंबर शो हो जाएगा, आधार नंबर शो हो जाएगा, नेम शो हो जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर हो जाएगा। यहाँ से जो ओटीपी आएगी, वैलिडेट ओटीपी करके आप आगे बढ़ जाए। अभी आपका जो भी है यूएन एक्टिव हो चुका है, आपके मोबाइल फोन में एक मैसेज मिल जाएगा आपको।